वो बताना वो कौन सा नशा है, ये गाना है ना पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। हाँ सर, उसमें कौन वो नशा का नाम बताना है सर, वो तो सिंगर को भी नहीं पता। हाँ तो तेरा क्या जा रहा, उसका क्या जा रहा वही फायदा होता है भाई। फायदा फायदे, अरे फायदे करते ही है। चलो क्वेश्चन लिखना, सर सब भूल गए, अभी वापस बढ़ाना पड़ेगा। आपको रुपए ही नहीं है सर, इसमें सच बोल बेटा तुम लोग, बाकी जिनको लेना है वो तो पहुंच निकल जाएंगे लेके। क्या सर देखो क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या होता है, एक एक क्लोरीन लगाना। Find the total monochloro derivative of two methyl butane. Find the total monochloro derivative of 2-methylbutane. Stereo और structural दोनों। दोनों आएंगे। Stereo भी और structural, structural जो भी। Mask पहनना जरूरी है। No mask. No entry. Yes entry. ऐसे भी आ जाओगे तुम लोग। सर mask पहन के नहीं, ऐसे बिना mask क्या नहीं सकते, फिर बढ़ तो सकते, अंदर उतर देने वापस। Thank you for your suggestion. Butane. Do you know Ramla? He's the danda. अभी इस्तेमाल हुआ? अमन को पता होगा ना, तुम लोग बोले अरे तो कम से कम बना ले खुद से, निकाल दो सही 2-methylbutane स्ट्रक्चर बना उसका। और स्ट्रक्चर तो एक ही है, 2-methylbutane हां, पर मोनोक्लोरो जहां जहां लग सकता है वो बात अलग है, पर खाली मिथाइलब्यूटेन की बात है। 2-methylbutane वो मिथाइल पे क्लोरीन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 2-methylbutane में जहां क्लोरीन का बिना एक ही है ना स्ट्रक्चर, हां एक ही होगा, वो तो एक ही होगा, लेकिन मैंने दे रखा है ना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 2-methylbutane 2 दूसरा वाला काइरल कार्बन होगा, उसके टोटल में कितने मिले, एक एक ही देखना। तुमने कितना बताया, 5, और किसी का आंसर आया क्या, दो कोई चार तो स्ट्रक्चरल ही है, चार स्ट्रक्चरल ही है सर, 5 आ गए वो क्या, 5 आ गए ये वाला जो ना आगे बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं, आगे पीछे भी तो चेक कर ले। दो ब्रांचिंग वाला, दोनों मिथाइल तो सेम होगा ना, वही तो तूने उसको भी लगा दिया होगा, एक ही कंपाउंड को दो चार बार और लिख तो 9 हो जाएंगे।
दो काइरल सेंटर पाँच आ रहे दो काइरल सेंटर तो टोटल कितने हो छह वो पहले वाले सबसे पहला वो भी काइरल सेंटर ये भी है ये एक दो तीन चार ये यहाँ पे टू मिथाइल है ये देखना यहाँ पे लगाओ दोनों क्या सेम है ना तो तूने अमन यहाँ भी लगाया होगा यहाँ भी लगाया होगा तो दो पॉइंट क्या होगा तूने तो पांच हो गए होंगे अब एक यहाँ पे आ गया इसके बाद एक यहाँ पे और एक लास्ट पे और एक लास्ट लास्ट पे समझ में आया ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई हो गया ना कायरल सेंटर ही नहीं होगा ना वो तो ए और सी हो गए रुकना ये तो क्लोरीन इसके अलावा और कहीं लगा सकते हो क्या नहीं अब कायरल सेंटर चेक करो ये वाला होगा क्या नहीं उसके बाद हां देख इससे एक हाइड्रोजन लगा हो गया ना हो गया तो एक कार्बन सेंटर हो गया रेड मान के रखे हमने सर ए और डी सेम ही नहीं है ए और डी देखना ए और डी कैसे सेम है यार 1 क्लोरो 2 मिथाइल है अच्छा ये 1 क्लोरो 3 मिथाइल है चलो 3 मिथाइल छोड़ो सिर्फ आपने तो 2 मिथाइल और 4 क्लोरो है बस ये देख ये बोल रहा है 3 मिथाइल आपने लिख दिया बोला 2 मिथाइल 2 मिथाइल फिक्स है क्लोरीन कहीं पे भी लगाना है 4 क्लोरो अरे तू नेमिंग में कंफ्यूज हो रहा है 2 पे लोएस्ट में सम रूल ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है अब तुम क्लोरीन लगाओगे तो नेमिंग बदलेगी ना रे ये फिक्स रखना सर टोटल 6 हो गया आंसर बदल रहा हूं सही ये एक यहां पे कायरल सेंटर हो गया हां सर अब इधर देखो ये कायरल सेंटर है क्या नहीं ये है क्या बाकी किसी में डाउट ही नहीं है ना जहां पे ये है क्या हां है ना कायरल सेंटर और कहीं है क्या नहीं है तो इसके दो आइसोमर्स कौन कौन से डी एंड एल डी और एल ये डी एल दो डी एंड एल दो दो एक एक हो गया दो प्लस एक प्लस एक एबीसीडी कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट हो गए तो कायरल सेंटर बोलते हैं तो उसके बाद क्या होता है कायरल देखना जिस कार्बन के पास चारों बॉन्ड डिफरेंट है उसको कायरल सेंटर बोलेंगे ठीक है और जहाँ पे भी कायरल सेंटर होगा ना किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल सेंटर होगा तो उसके दो आइसोमर्स होते हैं दो होते हैं डी और एल ऐसा होता है चलो एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ देखना समझाता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से ना जहाँ से ऑप्टिकल आइसोमर्स तुमने वीडियो नहीं देखा है क्या नहीं तो मैं भेज के रहा था चलो मान लो ना ये व्हाइट लाइट है ध्यान से समझ लेना इसको ना निकोल्स प्रिज्म से पास करवाते हैं इससे जो पास हो गया ठीक है इससे जो पास हो गया उसको पीपीएल बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट ठीक है इस पीपीएल को किससे पास करवाते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर मान लो तूने पीपीएल को ऐसे पास करवाया और इधर भी ऐसे ही निकल गए कोई यहाँ पे मतलब ना तो इधर लेफ्ट ना राइट बिल्कुल जैसे आपने डाला वैसे ही निकल गया तो ये वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना ये ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया ठीक है अगर ये वाला पीपीएल को तूने पास अप करवाया ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने ऐसे ओरिजेंटल में रखा है लेकिन यहाँ से निकलने के बाद अगर ये इधर टेंड कर गया राइट में ठीक है कुछ इधर लेफ्ट इधर आ गया तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया ऑप्टिकल एक्टिव इसका मतलब क्या हो गया जो राइट में रोटेट करता है ना उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं शॉर्ट में स्मॉल डी लिखते हैं और लेफ्ट वाले को लीवो रोटेटरी शॉर्ट में एल बोलते हैं ठीक है क्लॉकवाइज डी होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया एल हो गया डी एंड एल समझ में आया और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर एक कायरल सेंटर है तो वो फिक्स है कि क्या होगा वो वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा हाँ उसके दो आइसोमर सभी वो भी बता देता हूँ मैं तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहने का मतलब समझ में आ गया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर एक कायरल सेंटर होगा तो वो कंपाउंड ऑलवेज क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा मतलब पीपीएल को या तो लेफ्ट या राइट में क्या करेगा रोटेट करेगा ठीक है इसके बाद ऐसा करवाया था मैंने ये हटा दूं नोट कर रहे हो कोई क्या नहीं नहीं कर लिया नोट कर लिया
सकते हैं ऐसे, जैसे ये कंपाउंड है तेरे पास, यहाँ पे OH लगाया, H लगाया, D लगाया, T लगाया, जैसे ये काइलो सेंटर है ना, काइलो सेंटर है मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज अपने को यूज करना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे ही आप लगाओगे ऊपर का वो तो OH ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा, T रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, D, और इधर क्या आ जाएगा, H। समझ में आया? अब देखना ही, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक ही काइलो सेंटर होंगे ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो मिरर इमेज होता है, अगर ये तुमने डी माना है तो ये ऑटोमेटिक एल हो जाएगा, अगर तूने इसको एल माना है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया? और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। उसके लिए भी मैंने बताया था, देखो कैसे तेरे को रखना है वो समझना, ये कंपाउंड है इसको उठा के इसमें नहीं रखना है, इसके लिए पहले आप इसको 180 से रोटेशन करवाओगे, 180 से, 180 से जैसे ही तुमने रोटेशन करवाया कार्बन के नीचे क्या आ जाएगा, OH, ऊपर क्या होगा, डी, और इधर क्या आएगा, डी, इधर क्या आएगा, एच। अब इसको उठा के इस पे डालना है, तो हाँ इसको उठा के इस पे इसके ऊपर डालो, तो क्या होगा, डी डी को कवर कर लेगा, एच एच को कवर कर लेगा, और लेकिन टी ओ एच को नहीं कर पाएगा ना, तो ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर रेसमिक मिक्सर होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या होता है, डी एंड एल, डी प्लस एल क्या होगा, 50-50% दोनों का होगा, 50% ये होगा, 50% ये होगा, तो ये क्या होगा, रेसमिक मिक्सर। बट अमाउंट का अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं किया गया है तो एक एनेंसियोमर होता है, अगर एक डी है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होने वाला ऑप्टिकल एक्टिव का, एल, एल, तो डी प्लस एल मिला के क्या कहलाता है, एनेंसियोमर। ये एनेंसियोमर रेसमिक मिक्सर तभी होंगे जब दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो, 50-50 हो। समझ में आया? ये क्या हो गया, एनेंसियोमर्स हो गए, और ये रेसमिक मिक्सर। फिर POS समझ में आता है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी नहीं पढ़ा कार्बन के अगर चार बॉन्ड डिफरेंट हो गए ना तभी कार्बन सेंटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये भी श्योर सर्टेन है कि किसी कंपाउंड में अगर काइरल सेंटर होगा तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा, एक होगा तो एक से ज्यादा होगा तो चेक करना पड़ेगा। जो वाला कंपाउंड आपको याद है उसमें काइरल सेंटर था लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो नहीं था, उसका दूसरा फॉर्म क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव था, तो अपन बोल सकते कि ऑप्टिकल एक्टिव के लिए काइरल सेंटर का होना नेसेसरी नहीं है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। ये POS, COS, तेरे को POS, CO, डिसिमेट्रिक को और काइरल सेंटर और तब तो होगा ना, क्या बोल रहे हैं, अगर डिसिमेट्रिक है तो ये कैसे होगा, काइरल सेंटर है है ना, ये सी नहीं देखना, पूरा ग्रुप पूरा देखना, ये दो सी है, CH2 देखना, CH3 है, सब मिथाइल नहीं, अगर दो लगे तो पूरा ऐसे देखना है, अरे ऐसे ऐसे देखना है, देखो CL हो गया, H हो गया, C हो गया, C हो गया, C हो गया, C हो गया, C, तो ये पूरा क्या है, प्रोफाइल, ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, क्लोराइड, हाइड्राइड, चलो डिफरेंट हो गया ना, हाँ इसी को कैरल सेंटर बोलते, समझ में आ गया, हम भी पहले गलती किए थे, एक एक नहीं देखना, जो इधर देखा होगा सब, जो है वो सब देखना, जो है सबको लेके चलना है आपको, ठीक है, कब कौन सा काम आ जाए, अगला क्वेश्चन देखना, ले रहा कबीर सर, सर उधर है, सर सर, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ
2-methyl-3-pentyl, 2-methyl-3-pentyl. सर 3-pentyl पे भी कुछ होगा ना? 2-methyl-3-pentyl नहीं नहीं, only 2-methyl-pentyl है, only 2-methyl-pentyl है, only 2-methyl-pentyl. किन्सु बोल रहा है आपने क्लोरीन लगाया तो 3-methyl कर दिया, ये तो बताया ही नहीं. अरे अभी भी है तो सर को बोल दे सर, ऑर्गेनिक फिर से स्टार्ट कर देंगे. उसने बोला ना कि जितना मेन चेन में कार्बन होगा उतना होगा, पता नियोपेंटेन के लिए. नियोपेंटेन का तो नहीं लिखा ना. अरे इस क्वेश्चन में एक ही फिक्स चेन मेन चेन होगी. ओके सर, सात होंगे ना? सात टोटल, सात आ गए. दो काइरल कार्बन, पांच दो सात. पक्का? पक्का नहीं नहीं और होंगे, रुको चाप तो रुको. आप पक्का बोल रहा था सर, पर नियोपेंटेन और उन सबको तो नहीं गिनना. नियोपेंटेन को लेना देना. अरे वो सर एग्जांपल दे रहे थे, इसमें थोड़ी गिनना है. उसने बोला मेन चेन में तो जितना आ जाता है तो सात ही होंगे. सात होंगे सर, आठ होंगे. ये देख या तो तुम दोनों में से एक का ही सही गलत हो सकता है या फिर दोनों का सही तो है. पक्का दोनों का सही कैसे है? सात होंगे, साढ़े सात. सर ये ब्रांचिंग वाला एक कार्बन होगा सर, उसका वो ब्रांच में डाउट है. 3 और 4 पे आएंगे काइरल कार्बन. 3 और 4 पे क्लोरीन लगेंगे खत्म. काइरल कार्बन 8 है इधर है. चल 3 में कितना? 8 सही है. 3 काइरल सेंटर मिले. हां ठीक है, टोटल 5 कंपाउंड में 3 काइरल सेंटर है. 2-4-6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए. कौन से नंबर पे क्लोरीन लगेंगे? अरे वो नंबर जहाँ मत करे वहाँ लगा दो सर. पर 2-3 जब सेंटर में क्लोरीन लगेगा ना, वो वाला काइरल सेंटर होगा. पर वो तो 3 और 4 और किसका भी हो गया. 3 और 4 एक जगह पे वो लगा काइरल सेंटर होगा. 1 और 2 पे लगाना, उसको छोड़ के बाकी सब इधर देखना. स्टार बनाए. अरे पीयूष बोल रहा है, चल इधर देखना. 2-methyl क्या था? पेंटेन. ध्यान से देखना, ये तो ठीक है. 2-methyl-pentane ये और ये क्या है? सेम है ना? साइड 3 है, साइड 2 है. तो सबसे पहले ही तो ये हो गया ब्रांचिंग वाला. अरे इसके बाद एक सीसी है, दो हाइड्रोजन आएंगे. ओए इधर हाइड्रोजन आ गया. ओए ओए इधर वो सी एच है, उसे पैच आएगा नीचे. मैं तेरे को बोल रहा हूं ना. अरे सर अब ये इधर काइरल सेंटर चेक करना है अपने को. इसमें तो है ही नहीं, इसमें आ जाओ. ये चेक करें देखो, है ना? दो आइसोमर्स ये देखना. ये भी है सर, ये भी है. ये वाला है क्या? पहला वाला नहीं है और लास्ट वाला नहीं है. लास्ट में दो हाइड्रोजन आ गए इसके, वो नहीं आ रहा है. नहीं आया सर. ये वाला नहीं है ना? नहीं है सर. तो टोटल कितने हो गए? 8. चलो टेप हो यार. आपने कहा था 4 कार्बन से ज्यादा नहीं आता, 5 मतलब.
पाँच से बोला था पाँच से छह हो गए तो मैंने बोला पाँच चार पाँच से ज्यादा नहीं आता है जो आई आई टी में पूछा उसने भी कितने लगा रखे हैं चार ही लगा रखे हैं मैंने पाँच कहाँ लगा कुछ भी दोनों क्या होने वाला है तीनों सब सेम होने वाले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ये एक लिख लेना फ्रैक्शनल समझ में आता है नहीं क्वेश्चन लिखे वो लिखो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन उसका डेफिनेशन लिखो क्रिस्टल Can be separated. Can be separated into pure component, on the basis of their solubility, नीचे लिखना है कौन अपने पवित्र हाथ दूर रखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये सुना ये बॉइलिंग पॉइंटेड है सर ऑन द बेसिस ऑफ के बाद क्या बोला देयर सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी देयर वी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट इज द मेथड बाय व्हिच पूरा लिखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट है अरे ऑन द बेसिस ऑफ इट इज द मेथड बाय व्हिच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बॉइलिंग mixture can be separated on the basis of their boiling point niche likh lena ek minute sir mera definition likhwane ka matlab kya tha mera jo racemic mixture hoga na उसको ना तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट कर पाएगा ना ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए दोनों के डेफिनेशन पहले लिखवाई अब एक मैंने लिखो रेसमिक मिक्सर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू प्योर एनेंसियोमर्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन and fractional crystallization sir ek bar repeat racemic mixture cannot be separated into pure enantiomers by fractional distillation and fractional crystallization because enantiomers बायफ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शन तो लिखा सही पाया है मतलब रेसमिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू प्योर एनेंसियोमर्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज़ एनेंसियोमर्स हैव सेम सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों सेम है तो कहाँ से सेपरेट कर पाया जाए
सर इनशियो मर्स मतलब कुछ ऐसे परसेंटेज में एल और डी, तो 0% एल और 100% डी ऐसा चलता है? नहीं नहीं अरे बस भाई क्या कर रहे यार, पिकनिक मनाने क्या रहे? क्वेश्चन ऐसा है, ये Cl2H2 लगाया गया, ठीक है? अरे क्वेश्चन तो लिखते रहे देखना Cl2H2 का मतलब क्या होता है? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव समझ में आ गया? ये गलत जगह बैठ गया, डाइक्लोरो का टाइम Cl2 है। अरे Cl2 मैंने बता दिया कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, तुम डाई पे क्यों जा रहे हो? अरे क्वेश्चन में जो पूछा वही मैंने बताया, मतलब उसमें क्वेश्चन में तो मोनोक्लोरो दिया था ना, हाफ Cl, तो इसमें भी मैंने दे दिया ना, हां मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। एक मिनट से नोट करते हो, n एंड m की वैल्यू बता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऐसे क्या होगा? मतलब एक 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 आइसोमर्स का क्या करना पड़ेगा? अभी ये नहीं पता, ये सर आपको नहीं पता, मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, डेफिनेशन अभी लिखवा दिया, बिग वाटर लाइक कर लो आप, छोटा सा हिंट दे देता हूं, इस m 0 होगा, हां मतलब m तो कुछ होगा ही नहीं, m is equal to n ऐसा कुछ, हां m equal to n ये सही है, n तो 8 ही है वो लास्ट में, तो 8 ही होता अभी हमने किया, अरे वो यार ये एन निकलेगा ना, कुछ ना कुछ किसी में कार्बन फिल्टर होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, इसका क्या काम है बस? अरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या काम है? -5 सेपरेट करना है, एनएनसीओमर को सेपरेट नहीं करता है यार, तो वही बाकी सब, मतलब सही बोला था ना, बाकी सबको पास करेगा ना कम से कम, तो जीरो कहां से आ सकता है? एनएनसीओमर के अलावा बाकी सब पास हो जाएंगे, बाकी सब पास हो जाएंगे, हां हां इससे क्या दो एम दो एन एट और एम दो पांच आएंगे ना, एक एक तो सेपरेट नहीं हुआ है, और एम टू होगा सर, सर एम टू होगा लिखा इसमेरिक प्रोडक्ट, अरे एम 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 की बात कर रहे हैं, हां कितना है यार, 2 आएगा, तुम बोल रहे हो ना तुम्हें देखो ऑप्शन देना होगा, नहीं नहीं रुको रुको, अरे वो 2 कुछ होगा नहीं, वो एन एम कुछ कंपाउंड होगा सर, एम 5 होगा भाई, अरे वो कंपाउंड एन और एम 5 लग रहा है, ये व्यूअर्स पे ये तो 8 तो 8 है, 4 देखो 8 आ गया टोटल, रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा वही एन होगा ना, या फिर तो वो एन में वो एम में जो थोड़े ट्रांसफर हो जाएंगे फिर बाकी बचेंगे वही है,
देखना है इधर तुम लोग काउंट करके इसके विचार उसके विचार बोले टोटल आठ आना चाहिए बात बताओ
एनेंसियोमर्स क्या होगा डी एंड एल और इसमें मिक्सर इक्वल अमाउंट का सर अगर मीजो हो तो तीनों को एक मीजो अगर होगा हाँ तीनों को एक ही अगर किसी कंपाउंड में मीजो है तो बस एक ही होगा सर दो किसके मीजो में जो काइरल एक जो नॉर्मल वाला जो जिसमें मीजो को हम है वो वाला जब तुम कंपाउंड लिखोगे तो डिसाइड करोगे ना कि बीजो है ये कौन सा है तो एक ये हो गया ना ये तुम बता रहे हो कि बीजो है तो इसको पास करोगे तो एक ही काउंट करेगा ना वो भाई इसके अंदर होता ना ऑप्टिकल एक्टिव तो तुमने तो कंपाउंड यहाँ पे यही रखा होगा तो ये तो पास ऐसे ही करेगा ना तुम जो कहना चाह रहे हो वो ऐसा तो ये तो तेरे को लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ये तो लिखना पड़ेगा ना तेरे को हाँ तो ये बीजो होगा ना बीजो भी ये है ना बीजो इधर एक कितने होंगे इसको तुम लिखोगे तब फिर काउंट करोगे ना हाँ एनेंसियोमर बीजो ये सब किसी को कुछ नहीं करता जैसे वैसे जाने देगा ठीक है इसका होता है ना ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स इसका तो बीजो होता है बीजो जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे जब तुम ये लिखोगे ही नहीं तो इसको देख करके क्या बताओगे तुम बोले ये तो बीजो है ऑप्टिकल एक्टिव है समझ में आ रहा है बीजो नेक्स्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ Representation of chiral compound. Different types of representation of chiral compound. देखना बिल्कुल ध्यान सबसे फर्स्ट different types of representation of chiral compound. सबसे पहला S formula. Which day? इस मालूम है डॉट डॉट ये इधर दिखा लिया अपन ने ये क्लोरीन और ये डॉटेड पे क्या लगा दिया डैश एक इधर H लगा दिया और एक इधर क्या लगा दिया H ये वेज S formula ये तो सॉलिड लाइन या फिर डॉटेड लाइन के नाम से ये वाला इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन ये वाला क्या हो गया ये या फिर दूसरा क्या नाम हो गया इसका सॉलिड सॉलिड लाइन के नाम से भी जाते हैं और ये डॉटेड लाइन ये कार्बन सेंटर है या नहीं बिल्कुल इसका मिरर इमेज जो होगा हो जाएगा ये कार्बन हो गए इधर क्या दिखेगा वेज ये बना लोगे ट्राई करोगे जब इसमें इसके दो ऐसे ही करना ना लेटरल वाला ही है मतलब ये क्या हो गया क्लोरीन हो गया ये डॉटेड पे आ गया वेज उधर क्या गया एच ये क्या हो गया टी मतलब इन दोनों को याद है कि चारों ओर डिफरेंट होने चाहिए बस रिप्रेजेंट करने के लिए तेरे को पता चल रहा है कि मेरा इमेज है अरे कुछ नहीं इसको हटा क्या हाँ सर वेज बेस फॉर्मूला दिया जाएगा तो पता चल जाएगा ना भी सबसे पहले तो वेज स्टेट फॉर्मूला सेकंड में
बना लेते अपन इसको फिर से प्रोजेक्शन सुना नहीं नहीं बस बस नाम ही देखा हुआ है टॉपिक देखा चलो देखना इधर फिर से प्रोजेक्शन फॉर्मूला अभी अपन ने जो लिखा था वो कैसा था ये सी अपने यहाँ पे क्या लगाया वेज क्या लगाया आपने क्लोरीन यस और डॉटेड पे क्या था वेज इधर क्या था टी है चलो सी एस भी लिखते दिक्कत नहीं है यहाँ पे देन देखना बिल्कुल ध्यान इसको फिर से प्रोजेक्शन में जवाब लेकर के जाओगे अगर मान लो ये वही छाप में ऊपर लगाया तो ये कहाँ पे आएगा अगर फ्लोरीन मान लो अपन ने यहाँ पे लगाया तो वही यहाँ पे आएगा इसका अपोजिट यही हुआ ना अब जो ऊपर दिख रहा है उसको ऊपर टेप लो और जो नीचे दिख रहा है उसको क्या होगा मतलब ये एफ है OH है ठीक है अगर क्लोरीन इधर है तो इसके अपोजिट में क्या है OH है अब ऊपर जो दिखाई पड़ेगा ऊपर वो लगा देना आपको CH3 OH दोनों फिक्स है एफ पर ऊपर वाले राइट साइड इस पर वाले नहीं अगर इसको जहां भी तुम लगा रहे हो इसके अपोजिट में ये लगाओ कैसे एक होते अभी आगे थोड़ा पड़ेगा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे फर्क पड़ता है अभी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अपोजिट में इसको लगाया है बस अब ये ध्यान ऊपर जो दिखेगा ऊपर लगाओगे नीचे जो दिखेगा वो नीचे लगा पहले इसको डिसाइड कर लो आप ठीक है ये आपने जहाँ पे लगाया ये आपको इधर दिख रहा है इधर टेप लो क्लोरीन उधर दिख रहा है उधर वाले लाइन पे लगाओ तो इसके अपोजिट में क्या आएगा ये और ये ऊपर में क्या है CH3 तो ऊपर CH3 लगा है नीचे क्या आ जाएगा समझ में आया जैसे मान लो ये अपने पास कार्बन है ये अब यहाँ पे ऐसे करके लगाया ये सॉलिड वाली लाइन पे अगर डी दिया गया है और ये डॉटेड वाली लाइन पे इथाइल दिया गया है अब यहाँ पे ऊपर में अपन ने OH ले लिया और नीचे क्या ले लिया है CH3 तो इसका जो फिर से प्रोजेक्शन होगा कैसा होगा डी ऊपर ये डी इधर हो गया इसके क्या हो गया ऊपर क्या दिख रहा है नीचे क्या हो गया क्यों अरे नहीं क्या कर रहे हो क्या कर रहा है भाई अरे बंद कर रहा हूं इतने वो चला गया इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो वो भी ऐसे रोटेट मेरे को आ रही है बात तेरे को थोड़ी आ रही है अभी यहां पे कॉन्फिगरेशन पड़ेगा तो वो वाले चालू कर लेते हैं रोटेशन से क्या क्या चेंज हो सकता है रोटेशन से पूरा वो ही नहीं चेंज कर दे तो चालू हां वो स्विच दबा दे फैन चालू कर ऐसा बोल अरे बस स्विच से होगा ऐसे नहीं होगा अरे स्विच तो कर चालू ये आइटम है पहले ही स्विच चालू करना हां बस मैंने थोड़ा धीरे 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 एक के ऊपर थोड़ा वही तो बोल रहा हूं इससे 5 पे कर दिया 5 पे है ही नहीं 3 बस 3 3 हो जाती है गर्मी लग रही है क्या तुम क्या कर रहे हैं सर कल आप अमित सर को पूछना है बाजू में खड़े बोल रहे लिख लिख फिर भी नहीं लिख रहा शादी कर शादी कर आज चला गया तू हम लोग अपनी बातें नहीं करते बस ईजान के ऊपर लेते रहते उसके बेटा तुम लोग
हटा दूं? हाँ सर, उसका डिसएडवांटेज आप लोग को नजर आता है, बट नहीं लिखते हुए भी वो बना लेता है क्वेश्चन तुम लोगों से पहले। अरे कुछ दिन बोले नहीं लिख रहा है, सारे घर जब तुम लोग एक साथ हंसते हो इसके ऊपर, जान तारीफ कर रहा हूँ आज मैं तुम्हारी, मजा आ रहा है तेरे को? एक सी आई पी रूल होता है, सीआईपी रूल में लिखना नीचे। ये भी रिप्रेजेंटेशन ही है? नहीं नया टॉपिक एप्लीकेशन इसमें आने वाला है, ये थर्ड पॉइंट है या नया टॉपिक है? नया टॉपिक है, फॉर्म्स दो ही है लिखना। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी, मोर विल बी द प्रायोरिटी, मोर विल बी प्रायोरिटी सेकंड में। प्रायोरिटी किसका? सेकंड पॉइंट नंबर देते हैं ना सेकंड में। इन केस, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स हायर द एटॉमिक, हायर द एटॉमिक मास मोर विल बी इट्स प्रायोरिटी। मोर विल बी इट्स प्रायोरिटी देखना, मान लो ना ये यहाँ पे ओएच लगा है, ये एच लगा हुआ है, ये सीएल है, ये फ्लोरीन है, सबका एटॉमिक नंबर देखना है। ये कार्बन है, समझ में आ रहा है? यस। देखो यहाँ पे बस नंबरिंग करना अभी आपको ना, 1 2 3 4, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको सबसे पहले रखोगे। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सीएल फ्लोरीन का, तो ये पहले नंबर में आएगा। ये देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8, इसका कितना है 17, इसका कितना है 9, इसका कितना है 8, इससे जो पहला आइटम लगा है उसको देखते हैं अपन, ठीक है? तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 17 1, अब जो सबसे ज्यादा उसको एक नंबर देना है। इसके बाद कौन सा हो गया 2, इसके बाद ये कौन सा हो गया 3, ये कौन सा हो गया 4, ठीक है? 1 2 3 4 करना होगा, कर लोगे आप लोग? Cl CH3 CH2 CH3 H, इसका देखना अभी। देखो एटॉमिक नंबर पहला आइटम क्या है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या है 17, इसका पहला आइटम क्या है कार्बन है तो 6, इसका पहला आइटम क्या है इसका क्या है 1, मतलब ये क्या हो गया 4, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 4 और कौन कौन क्लियर हो गया, क्या क्या बचा 2 और 3, इसका पहला आइटम क्या है कार्बन, दूसरा आइटम इसमें क्या हो सकता है हाइड्रोजन, इसका दूसरा आइटम कार्बन हो सकता है ना, जो तुम CH2CH3 लिखे हो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना HHCH3, इसका पहला आइटम क्या है कार्बन, कार्बन, इसका दूसरा आइटम क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तीसरा भी हाइड्रोजन ही होगा, इसके पास हाइड्रोजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहला कार्बन, दूसरा क्या है कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाला क्या होगा
बैठा हूँ। कैसे क्वेश्चन है ना, ऊपर सी एन है, नीचे सी एच ओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ है, ये वाला सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। क्वेश्चन नोट करो, ये हो गया। यस सर, देखना इसमें पहला आइटम सबका क्या है, कार्बन। सेकंड आइटम पे चलते हैं, सेकंड आइटम इसका हाइड्रोजन या फिर कार्बन, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना, कार्बन को डालेंगे, कार्बन कार्बन ही रखेंगे अपन, उसमें नाइट्रोजन, इसमें देखो कार्बन है तो नाइट्रोजन, कार्बन है तो ऑक्सीजन, तो एक नंबर ये हो गया, पहला सिक्स सिक्स, फिर ये सेवन, ऑक्सीजन कितना एट, जिसका ज्यादा होगा उसको नंबर कितने पे रखना, वन पे, तो ये कितना हो गया अपना वन हो गया। अब इसके बाद देखना ये टू हो गया, समझ में आ गया सर, किसमें किसमें डिसाइडेड करना है, इसमें आप पहला कार्बन पहले दूसरा भी कार्बन है, दूसरा भी पहला कार्बन दूसरा भी कार्बन, पक्का कार्बन चांस है, अब देखना इन दोनों को कैसे करते हैं ना, ये वाला जो लगाया गया है क्या है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू वन, इसका मतलब सी एच से दो बार क्या लिखा गया है सी एच टू, मतलब डबल बॉन्ड है ना सी एच टू, इसको अपन ऐसे लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, ये जो सी एच है ना सी एच, ध्यान से समझना, एक यहाँ पे लगा दिया ये वाला, ये सी एच यहाँ लिखा, एक सी एच टू ये लगाया, एक सी एच टू ये लगाया, आपने क्या किया, ये सी एच टू तो था ही ना, एक ही फाल्तू लिखा है ना तूने, अरे एक तो अपने पास है ही, कितना एक ही फाल्तू लिखे हो ना, मतलब एक रियल वाला होगा और दूसरा क्या होगा फेक होगा, समझ में आ रहा है, मतलब ये हाइपोथेटिकल हो गया, एक तो था ना आपके पास, ये था तो ये लिख दिया, मैंने दो बार क्यों लिखा है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो सी एच टू यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा, समझ में आ रहा है इतना, अब एक रियल वाला हो गया दूसरा क्या हो गया हाइपोथेटिकल, तो हाइपोथेटिकल जो हो गया ना इसकी वैलेंसी जो होगा इसको सेटिस्फाइड करवाओगे कार्बन से, हाइपोथेटिकल की वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे करवाना है कार्बन से, ये कार्बन ने कितना कितना बॉन्ड बना रखा है, दो तीन, अच्छा उसके साथ भी ठीक है, दो एच के साथ है, ये सी एच टू है, समझ में आ रहा है, इसको किससे सेटिस्फाइड करवाना है आपको कार्बन, रियल वाले को ध्यान में रखना, नोट करके मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसको नोट करो सर, रियल वाले को करना है हाइपोथेटिकल, ये नोट करो, वो मैं सॉल्व करता हूँ, ओके सर, हो गया, हो गया, आपके पास हो गया ना उनको आप सेटिस्फाइड करवाओगे हाइड्रोजन से वैलेंसी, और जो हाइपोथेटिकल होगा, हाइपोथेटिकल होगा उनको किससे सेटिस्फाइड करवाओगे कार्बन से, कोई एक रियल एक हाइपोथेटिकल है, इसमें अगर हम CH2 को ऐसा रखते और फिर CH तो भी सुधरता ना, नहीं देखो ये CH है, अगर हम ऐसे उल्टा करते तो वो बोल रहा है कि CH2 एक लिखो और एक CH रियल बनाओ, एक CH हाइपोथेटिकल, नहीं नहीं ये सी एच के अकॉर्ड में ये वाला है, इससे क्या लगा है डबल बॉन्ड में सी एच टू है, आगे वाले को लिखना है, इसको लिखना है ना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड सी एच टू है, मैंने एक तो रियल वाला ही लिखा, दूसरा ही एक्स्ट्रा है ना, तो कोई एक रियल कोई एक हाइपोथेटिकल होगा, तो अब ये बताओ ये वाला जो हाइपोथेटिकल होगा उसको किससे सेटिस्फाइड करवानी वाला है, और इसको हाइड्रोजन, बताओ यहाँ पे ये रियल हो गया, ये कितना बॉन्ड बना रखा है दो, दो, तो एक वैलेंसी जब ये आप सेटिस्फाइड करवाओगे, एक तो इसके साथ है ना, समझ में आ रहा है, तो एक किससे हो गया हाइड्रोजन से, देखो नहीं समझ में आया, ये कार्बन एक तो बना ही रखा है ना, तो ये हो गया एक, ये हो गया डन, अब ये वाला बताओ इसको किससे सेटिस्फाइड करवाओगे आप, कार्बन बोले तो सी एच थ्री लिखना होगा आपको, क्योंकि बस कार्बन लिखोगे तो ये भी अनसेटिस्फाइड हो जाएगा ना, तो ये सी एच थ्री, तो अब देखना है यहाँ पे
इसके बदले क्या आ गया, ये आ गया, इतना समझ में आया। अब ये वाला आगे बढ़ो, सी से क्या लगा हुआ है, ट्रिपल ट्रिपल, इसका मतलब ये कैसे आएगा, तीन नकली मतलब सी एच, कितने आएंगे, तीन आएंगे, दो क्या होंगे नकली, एक रियल वाला होगा, तो ये इधर कितना आएगा, एच आएगा, एक कार्बन के कितने वैलेंस के आंसर सैटिस्फाइड है, दो दो, इसके कितने हैं, दो दो, तो ये समझ में आ रहा है, एक सी एच थ्री यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, हाँ इसके भी दो आएंगे ना, मतलब टोटल वैलेंस सब सैटिस्फाइड है, सब सैटिस्फाइड है, उसमें दो एच, इसमें कितने, दो एच, दो एच, तो ट्राई करो तुम लोग, इससे करना क्या, एक सीख के इससे ये कर, जैसे ये पहला आइटम हो गया, इसका दूसरा आइटम की पॉसिबिलिटी क्या है, ये है, ये जाओ, अगर तीसरे पे जाना होगा तो इस पे जाओगे, समझ में आया, इसमें से लेना क्या है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको कौन कौन सा मिल गया, वन और टू मिल गया, थ्री और फोर बच रहा है, तो फिर पहला पहला आइटम क्या है, कार्बन, इसमें भी पहला आइटम क्या है, कार्बन, तो सेकंड पे बढ़ो, थर्ड पे बढ़ो, फोर्थ पे, सी एच के बाद दूसरे को रियल वाला लेना, रियल वाले को दूसरा लेना, जहाँ पे ज्यादा होगा वो लेना है ना अपने को, एक बार बता, अभी जो मैंने बताया था ना वो ऐसा था ना, सी एच टू सी एच थ्री एक क्वेश्चन में, और एक क्या था, सी एच थ्री का, इस वाले कार्बन का दूसरा बॉन्ड लेना है, तो अपन ने किसको लिया था, कार्बन, क्या इसको क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन को, छोटा कम है, तो इसमें भी वही करोगे, अब वही तो एक बार तुम लोग को डिसाइड करना, फिर मैं बता रहा हूँ, जो ज्यादा होगा ना, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन, एक कार्बन है यहाँ पे, इसकी दूसरा आइटम क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन, इसको अपन ने इसलिए लिया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, इसको क्या, क्योंकि इन सबके पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ट्राई करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला थ्री हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड वाला थ्री होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, थ्री थ्री, यहाँ पे बस क्या देखना है अपने को, एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया उसको आप कंसीडर कर लोगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला थ्री हो जाएगा, क्यों हुआ थ्री, समझ में आ रहा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपने एक एच लगाया तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए क्या, कितने दो एच लगाए, तो अब देखो यहाँ चेक करो, पहला आइटम क्या है यार, कार्बन, दूसरा आइटम जाओगे क्या है, कार्बन, कार्बन, समझ में आ रहा है, तो इसमें दूसरा आइटम आप किस पे जाओगे, इस पे जाओगे ना, इस पे तो जाओगे नहीं क्योंकि आगे क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो इसका पहला आइटम कार्बन, दूसरा आइटम क्या है, कार्बन, कार्बन, तो इसका भी दूसरा आइटम क्या हो गया, कार्बन, अब इसके बाद तीसरा आइटम इसका क्या है, कार्बन, इसका भी तीसरा आइटम क्या है, कार्बन, लेकिन इसका चौथा क्या होगा, हाइड्रोजन, लेकिन इसका चौथा क्या हो जाएगा, कार्बन, ये ज्यादा हो जाएगा ना, समझ में आया, तो ये क्या हो गया, थ्री, ये क्या हो गया, फोर, नहीं नहीं खुद से कोई रूल नहीं निकालोगे तो गलत हो जाएगा, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन का सेम था इसलिए आगे गया ना, तेरे पास अलग लॉजिक है, एक क्वेश्चन तुम कर दो बोले अच्छा डबल बॉन्ड होगा तो दो, ट्रिपल हो तो तीन, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जिसके ज्यादा बॉन्ड होंगे उसके ज्यादा वही ऐसे लग रहा है, आप ऐसे सब केस में ट्राई करो, चार बॉन्ड तो वही नहीं सकते, तू ट्राई कर में तो वही होगा, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं ना मुझे, तो आप ट्राई करो ऐसे, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे, तो फिर आप अब उसको जीबी है, उसके बाद उसको मेरे भाई नहीं इसको आइटम कैसे कैसे किया समझ में आया, फिर से समझाएं, पहला आइटम कार्बन कार्बन, फिर वहां पे जाना है जहाँ पे क्या हो जाता हो, क्लोरीन क्लोरीन सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये सी एच ऊपर सी एच थ्री नीचे सी एच,
वन टू का तो पता चला ब्रांचिंग वाला थ्री हो जाएगा वो वाला तीन सी वाला लेफ्ट साइड वाला थ्री होगा उसमें थर्ड में कार्बन उसमें थर्ड हाइड्रोजन नीचे एक पॉइंट लिख लेना सही बोला कि इफ रियल एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आर सेम इफ रियल एंड इस क्वेश्चन के लिए काम आने वाला इफ रियल एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आर सेम देन फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू रियल हाइपोथेटिकल भी घूम जाएंगे जब सेम ही है तो क्या फर्क पड़ता है इधर देखना ये फ्लोरीन वन टू थ्री फोर तो पता चल गया ना ये क्या है वन है ये क्या है टू है अब आगे देखना ये वाला तो बिल्कुल सेम रहने वाला है ना इसमें तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसका अगर हाइपोथेटिकल बनाओगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगा क्या यही होगा ना हाँ सर सी एच होगा ना सर ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें दो ही कार्बन है वहाँ पे तीन कार्बन है किसमें सर लेफ्ट साइड में दो कार्बन है और राइट साइड में तीन कार्बन है तो आप कर सकते हो बिल्कुल बहुत भी सही हो जाएगा सर वो बट अगर सी एच होगा ना सर सी एच टू अपने पास सी एच टू आया होगा समझ में आ रहा है क्या लगाया सी एच टू और एक दूसरा फेक वाला लगाया एक रियल हो गया क्या हो गया हाइपोथेटिकल जो रियल हो गया उसको किससे सैटिस्फाइड करें हाइड्रोजन से इसको किससे कार्बन से करेंगे अपन कार्बन से आप जैसे ही करोगे तो इधर क्या आ गया दो इधर सी एच थ्री आ गया ठीक है इसमें बताओ एक कार्बन बढ़ गया समझ में आ रहा है देखो यहाँ पे तो अभी जो बोल रहे हो ना इसमें कितने कार्बन है अपने पास तीन हो गए यहाँ पे चलो तो कितने कार्बन हो गए दो इधर भी एक आ गया इधर भी दो आ गए इसके भी तो बनाने पड़ेंगे इधर तीन हो गए ये तो ऑलरेडी बना है ना सिंगल बॉन्ड के लिए कुछ चेक थोड़ी करते हाइपोथेटिकल कहाँ पे बनाते हैं इसके हाइपोथेटिकल की जरूरत है क्या बस इसी की जरूरत है ना तो ये सी एच हो गया एक क्या लग जाएगा सी एच थ्री और दूसरा क्या लगेगा सी एच मान लो ये ऊपर वाला रियल था नीचे वाला क्या था फेक था तो नीचे वाला क्या हो जाएगा अपना सी एच टू सी एच थ्री हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी एच थ्री हो जाएगा अब बताओ ये पहला आइटम समझ में आ गया दूसरा कार्बन पहला आइटम दूसरा कार्बन चले बताओ दूसरा किस पे इसपे दूसरा हो गया और इसपे क्या हो गया ये दूसरा हो गया अब थर्ड वाले के लिए बात करें अगर अपन देखना बिल्कुल ध्यान से इधर थर्ड वाले के लिए चले तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा यही होगा जो ज्यादा होगा उसको रखना है ना अपने को हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं है तो ये थर्ड हो गया तो ये इसके लिए क्या हो गया थर्ड हो गया लेकिन समझ में आ रहा है अब इसके पास चौथा एटम कहीं से भी जाओगे क्या मिलेगा हाइड्रोजन उसमें क्या मिलेगा हाइड्रोजन कार्बन पहला क्या है कार्बन दूसरा क्या है कार्बन इसमें क्या है तीसरा कार्बन तो चौथा इसके लिए पॉसिबिलिटी की बात करें इसमें क्या मिलेगा कार्बन इसमें क्या मिलेगा हाइड्रोजन तो बताओ यहाँ पे वो थ्री हो जाए इसको नीचे में ऐसे लिख देता हूँ उसका डिस्कार्ड नहीं करना था मैंने इसके अभी हमने कर लिया हो गया डबल बॉन्ड में ये आप बता क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल बस अब कहाँ पे बनाओगे डबल और ट्रिपल C double bond over H, C double bond O, C, H3, H लगाते हैं।
हाँ सर वन टू थ्री फोर ऐसे ही वन टू थ्री फोर एंटी क्लॉक वाइज नीचे से चालू करके देखो पहला आइटम तो इसका फोर है किसी को डाउट नहीं है फिर पहला आइटम क्या है कार्बन कार्बन है दूसरा आइटम में चले ऑक्सीजन 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 तीसरा आइटम चले ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब ये क्या हो गया बचा वन टू पहला कार्बन कार्बन दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन चौथा चौथा क्या है ये क्या हो गया सर पहले आइटम देख ले कार्बन कार्बन दूसरा आइटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीसरा क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये चौथा क्या हो गया हाइड्रोजन इसमें क्या है कार्बन ज्यादा बुला के लेना है ना अपने को क्षितिज को ही समझ में आएगा है ना इसको एक मिनट से नोट कर रहे हैं सर एक दो शतक चल मिस कर मुझे दो शतक मिस कर आज तो अभी चल रहा है शतक मारा हां हां क्या हां चलो बेटा तुम लोग भी शतक मारे काम हो गया तुम लोग ले जाओ अरे 4:30 बजे तक ही चलता रोज 5 दिन चलता है इसको हटाऊं क्या हां सर गंदा बाकी दे नेक्स्ट जोर से बोलना गए तो तुम लोग हो गए ये तो बेचारा गया इटली शांत है मैं इधर पढ़ा रहा हूँ उधर टेस्ट की बात कर रहे हैं अहमदाबाद बैंगलोर अच्छा टेस्ट नहीं है को बस यही दिखाई पड़ता है क्या देखना इधर आर एंड एस ये कॉन्फ़िगरेशन है जैसे सिस और ट्रांस निकालते हैं ना अपन ज्योमेट्रिकल में एक सिस फोर्थ प्रायोरिटी सर CO2 और CH4 में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है ना डाइपोल मोमेंट कहाँ था CO2 के सर ने बोला CO2 और CH4 अमित सर ने ये बताया होगा कि सी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो तो इधर का कुछ ना कुछ डायपोल रहा होगा इधर का भी कुछ ना कुछ डायपोल तो इसका नेट रिजल्टेंट जीरो होगा अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है वर्टिकल लाइन पे है तो अब अपने को वन से टू जाना है टू से थ्री जाना है वन से टू टू से थ्री अगर ये अपने को मान लो एंटी क्लॉक आ गया जरूरी है तभी बताया ना मैंने एंटी क्लॉक से क्या हो गया क्या जैसे हाँ थ्री टू भी हो सकता है अगर क्लॉक वाइज हो गया तो आर हो गया ठीक है अगर फोर्थ वाली प्रायोरिटी कहाँ पे वर्टिकल लाइन पे और वन से टू जाना है टू से थ्री जाना है अगर वो लाइन कैसी आ गई वो सर्कल एंटी क्लॉक आ गई तो क्या होगा एस होगा और अगर क्लॉक वाइज आ गई तो क्या हो गया आर जैसे वो एक मिनट समझाते अभी मान लो ये आपका फ्लोरिन लगाया हुआ है ये क्लोरीन लगाया हुआ है ये H लगाया हुआ है ये D लगाया हुआ है वन टू थ्री फोर तो इसमें क्लियर है ना वन क्या है
अच्छा वर्टिकल लाइन पे रखने तो एक बिल्कुल इसी जैसा ले लेते हैं, H हो गया और ये वाला 4 हो गया, वो 3 है और ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज, ये 1 है ये 2 है ये क्या है 3 है, ये कौन सा है क्लॉकवाइज है। अगर फोर्थ वाली प्रायोरिटी कहाँ पे है वर्टिकल लाइन, तो बताओ 1 से 2 से 3 अगर जाओगे और वो कैसा मिल गया क्लॉकवाइज, क्या होगा मतलब ये क्या है, हो गया। एक बात बताओ इसका मिरर इमेज ये चाइरल सेंटर है या नहीं है, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इधर क्या आ जाएगा एफ, ऊपर नीचे का तो सेम होगा ना, ये एच हो गया, इस साइड क्या आ जाएगा डी, ये कौन सी हो गई 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया ये दोनों आपस में कौन से आए समझ बात तो बराबर है ना, अगर डी और एल भी आप लिखना चाहते हो, अगर डी या एल एस भी ये क्या हो गया एल एन डी हो गया और अगर इसका रिवर्स भी आ सकता है ना, फोर्थ वाला अगर कहां पे आ गया ओरिजिन पे, तो इसका इसको पलट देना 3-2-1 नहीं नहीं 1 2 3 में 1 2 3 आ रहा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हो जाएगा और क्लॉकवाइज से मतलब कहां पे आ गया ओरिजिन लाइन पे आ गया, अगर फोर्थ वाली प्रायोरिटी ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, तो ये 1 से 2 से 3 अगर गया और क्या मिल गया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी में क्या मिलने वाला है आर आर, और 1 से 2 से 3 गए और क्या मिल गया क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया एस एस एस। साउथ अफ्रीका याद रखो, कोई एक याद रखो साउथ अफ्रीका मतलब एंटी क्लॉक में एस, किसके लिए वर्टिकल लाइन वाले के सर, क्या क्या याद रखना है, साउथ अफ्रीका मतलब एंटी क्लॉक में क्या मिलने वाला आपको हमेशा एस, अगर कोई एक याद रहेगा तो दूसरा तो कर सकते हो, क्या याद रखना है साउथ साउथ अफ्रीका जैसे देखो मान लो एंटी क्लॉक किसी एक ये, लेकिन ध्यान रखना एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे दूसरा किस पे है वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं उसमें टेप देना हो गया है फिर -5 और उसमें क्या याद रखना है इसमें बस ये याद रखना, तो दूसरा तो याद ही रहेगा ना भाई 3-2 वाइस वर्सा लिखा है ना, 3-2 वाला तो ब्लॉक वाइस और इसके साथ वाला तो वो साथ में रहता है। चलो एक मैं ऐसे लेता हूं सेम कंपाउंड मैंने लिखा क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन हो गया और ये आयोडीन क्या बोल रहे आयोडीन कंपाउंड नंबर बहुत ज्यादा हो जाता 53 कार्बन होगा उसी ऐसा नहीं किसी का कैसे काम करेगा, मैं तो 1-2-3-4 ही नहीं होगा ना ये कैसे है अपना, तीनों का बस सारे इंडेक्स निकालना आपको, ये अलग अलग है तीन बना तीनों सेम है क्या इसका तो निकाल लेते थे ना क्या आया था
आर आरएनए सर साउथ अफ्रीका आएगा किसी का तो तीनों प्ले निकालना है तेरे को साउथ अफ्रीका सबके लिए आएगा जब फोर्थ वाली प्रायोरिटी की कहाँ पे है वर्टिकल पे सब में फोर्थ वाली वर्टिकल पे ही है फर्स्ट पे यार सेकंड में सेकंड में थर्ड में यार सब वर्टिकल पे थर्ड में यार थर्ड में यार एक सब में उसमें आर एस आर सर ऐसे ऐसे सब में ऐसे और एक देखना जल्दी से ना ये 1 2 3 बोर्ड पता चल रहा है हां सर ये 1 हो गया ये 2 हो गया ये क्या हो गया 4 हो गया और ये क्या है 3 1 से 2 2 से कहां पे है 3 क्या ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में क्या मिला आर ये निकालो जल्दी से देखो ये 1 हो गया ये कौन सा है 2 ये कौन सा है 3 ये कौन सा है 4 तो 1 से कहां पे जाना है 3 पे 2 से 3 पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में क्या मिल गया एस ये देखना इसको ध्यान से ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया ये फोर्थ और ये 3 1 से कहां पे जाना है 2 से 3 क्या है ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से भी हुआ तो क्लॉकवाइज में क्या मिला आर आर अब ध्यान से देखना ये इसमें और इसमें बस क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें डिफरेंस है देखना इसका फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन इन दोनों की पोजीशन बस चेंज है ना नहीं मतलब इसमें इसमें क्या हुआ सिंगल इंटरचेंज हुआ उसमें डबल इंटरचेंज मिल गया तो सिंगल इंटरचेंज अगर हो गया तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन ऐसे और अगर इवन इंटरचेंज हो गया तो सेम रह रहा है या फिर रिवर्स हो रहा है रिवर्स इवन इंटरचेंज में सेम है ना नहीं याद है वो भी याद है ना अरे मतलब सिंगल के बाद फिर से रिवर्स हां टोटल वर्सेस फाइनल इशू इसका मतलब जब अगर अपन बात करें ऑड इंटरचेंज जब भी होगा रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा चेंज कॉन्फ़िगरेशन और ये सर ऐसा रंग का फुल फॉर्म क्या है इसका डीआरएल का डेक्स्ट्रा लेबोरेटरी इवन इंटरचेंज ये क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सेम होगा चार्जिंग लगता है ठीक है आर एंड एस है उसका फेवरेट ग्राउंड है ना चेन्नई होम टाउन है नहीं उसका फेवरेट मैन ऑफ द सीरीज मिल जाएगा तो इसको मिलेगा यार सर अगर दूसरी इनिंग्स में भी 5 विकेट ले ली तो बेटा इंडिया तो सेंचुरी मारा इंग्लैंड है तो 5 विकेट 6 विकेट दे दे अश्विन को आपने तो पड़ गई 3-4 भाई साहब आज पड़ा 3-4 पड़ी तीन तो पड़ी तीन पड़ी तो मैच देख रहा था 3-3 रोहित शर्मा बचा रहा है।